हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। माय नेम इज हरप्रीत सिंह बराड। आई एम फ्रॉम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक आईडी। आईडीज आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, बराड दीप लिरिक्स नाम से मेरी आईडीज हैं। ताकि आपको कोई आपकी इंक्वायरी होती है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप इजीली मेरे को इन आईडीज़ पर मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी वीडियो की। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग वीडियोस को कवर कर रहे थे। लास्ट यूनिट है हमारी टीचिंग मेथड्स को लेकर। इसमें पहली ये वीडियो नंबर फर्स्ट रहेगी हम, जिसके अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि टीजीटी पीजीटी केवीएस की जो भर्ती भी आ चुकी है आपके लिए 2022 के अंदर, या फिर आप कोई यूजी नेट की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा रीट का जो मेन का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, जो फरवरी में कह रहे हैं, रीट के अंदर भी ये टॉपिक आपके दे रखा है टीचिंग मेथड्स के नाम से, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो। और एज ए टीचर तो आपको, अगर आप इंग्लिश के टीचर हो तो आपको ये मेथड देखना चाहिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा। पूरी स्लाइड्स मैंने लगा रखी हैं, हिस्ट्री की बात करूँगा सारा कुछ। बट क्या है कि इन स्लाइड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें इसके अंदर कौन सी चीज़ें एटलीस्ट दिमाग के अंदर रखनी है। यानी कि नॉर्मल तरीके से आपको जो नोट्स होते हैं किताब, उसको बताता हूँ। जैसे ये नोट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, नोट्स के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा अपनी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था भाई, उसकी भी आंसर की आ चुकी है, आप इसको चेक कर लीजिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऐसे ही नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आसान इजी लैंग्वेज के अंदर आपको ये टॉपिक समझा दूँगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टीचिंग मेथड्स हम पढ़ रहे हैं ये है क्या। आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हो तो इंग्लिश को टीच आप किस प्रकार से कर सकते हो? क्या आप या किसी का किताब पढ़ाना शुरू कर दोगे? कोई तो टेक्निक लगाओगे ना कि यार मेरे को पढ़ाना कैसे है। उसके लिए आपको कुछ मेथड्स, कुछ विधियां यहाँ पर दे रखी हैं, उन्हीं को हम टीचिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके आरपीसी का जो सिलेबस है उसके अंदर यूनिट नंबर 5 है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि नेम से क्लियर है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है, ग्रामर का ट्रांसलेशन करना होता है। इसे हम, इसके कुछ और नाम हैं, इसी मेथड को ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं क्योंकि सबसे पुराना यही है। पहले पुराना तरीका यही था कि लाइन टू लाइन पढ़ाया जाए। जैसे आप कोई कहानी पढ़ाना शुरू कर रहे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं समझाऊँगा, मैं कहूँगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट करना, मेथड यानी कि विधि, ये तरीका है जो जिस तरीके आपको बता रहा हूँ यही तो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि एक एक वर्ड की हिंदी बताना। जैसे कोई कहानी पढ़ा रहे हो आप, मान लीजिए कि आप वो लॉइन और माउस वाली कहानी पढ़ाना शुरू कर दिया आपने, उसके अंदर पहली लाइन आएगी, आप कहोगे बेटा लॉइन एंड माउस, लॉइन होता है शेर, एंड होता है और, माउस होता है चूहा। तो मैंने एक एक शब्द को ट्रांसलेट कर दिया। फिर आप कहोगे वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज ए लाइन, देयर वॉज था ए लाइन, लाइन यानी कि शेर। तो वर्ड टू वर्ड आप हिंदी के अंदर, देखो हिंदी के तो हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, पंजाब वाले पंजाबी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, मराठी मराठी के अंदर करेंगे, बंगाली बंगाली के अंदर करेंगे। यानी कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, अब यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश मान लीजिए, मान लो आपको फ्रेंच पढ़ानी हो तो फ्रेंच को आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दो, पंजाबी के अंदर ट्रांसलेट कर दो। यानी कि जो लैंग्वेज आपको सीखनी है उसको अपनी मदर टंग के में ट्रांसलेट कर लेना,
ये बहुत ही पुराना तरीका है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट मेथड। इसी को कहते हैं क्लासिकल मेथड। अब यहाँ पे समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओल्ड को हम कहते हैं कि क्लासिकल है, पुराना, ट्रेडिशनल भी वही होता है, पुराना कल्चरल। और पर्शियन मेथड, पर्शियन मेथड इसको कहते हैं यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर चार पॉइंट आपके काम के हैं कि भाई पूछ लेगा ओल्डेस्ट मेथड के नाम से किसको, कौन से मेथड को जाना जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। तो ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल, ट्रेडिशनल और पर्शियन, ये चारों ही नाम किसके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GTM, जी ग्रामर, टी ट्रांसलेशन, एम से मेथड। पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज, ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर रहता है प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि जब बच्चा छोटी क्लासों में होता है तब आपको वर्ड टू वर्ड उसे ट्रांसलेशन करके पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इसके अंदर वर्ड, यानी कि पहले वर्ड सिखाया जाएगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताई जाएगी, फिर पूरे सेंटेंस की हिंदी बताई जाएगी, ट्रांसलेशन इन मदर टंग, और किस के अंदर, मातृभाषा के अंदर। अरे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं भी तो आपको आपको हिंदी के अंदर ही समझा रहा हूँ, हम पढ़ तो इंग्लिश रहे हैं बट हिंदी के अंदर। ये खुद जो अभी मैं तरीका अभी वीडियो बनाने के दौरान ये यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैं GTM मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक यूनिट इसके अंदर होती है वर्ड। वर्ड क्यों होती है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंसेस इन टू मदर टंग थ्रू वर्ड बाई वर्ड। इसमें क्या कि टीचर हर एक वर्ड को वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट करता है, ताकि वो टारगेट लैंग्वेज को सिखा सके। जैसे मैं इसको पढूं, टीचर अध्यापक रीड्स पढ़ता है एवरी हर एक सेंटेंसेस सेंटेंस को, एंड और ट्रांसलेट ट्रांसलेट करता है एवरी हर एक सेंटेंस सेंटेंस को इन टू मे मदर टंग मातृभाषा थ्रू जरिए वर्ड एंड वर्ड शब्द और शब्द के जरिए। अब मैं इसकी पूरी हिंदी बना दूं कि टीचर हर एक सेंटेंस को पढ़ता है और फिर हर एक सेंटेंस को मदर टंग में वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट करता है। ये जो अभी मैंने जो तकनीक अपनाई थी, ये आपका GTM है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा। मेजर फोकस फोकस होता है इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग पर। देखो रीडिंग के अंदर हो रहा है क्योंकि आप वर्ड बाई वर्ड पढ़े, रीडिंग हो रही है। राइटिंग होगी क्योंकि आपको रूल लिखवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर, यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि टीचर क्लास में जाएगा और पढ़ाना शुरू कर देगा बच्चों, ना तो वो खुद इंग्लिश स्पीकिंग करेगा ना बच्चों को मौका देगा कि आप इंग्लिश में स्पीकिंग करो। डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, नॉन टू अननोन चला जाता है। नॉन यानी कि आपको अपनी मदर टंग पता है, मैं आपको कहूँ कि भाई डायरेक्शन क्या होती है, आपको पता नहीं, मैं कहूँ बेटा डायरेक्शन होती है आपको निर्देश, निर्देश आपको पता है हिंदी में। इसका मतलब कि जो चीज़ें आपको पता है, मैं नॉन से आपको अननोन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये तो पता है कि निर्देश होते हैं, डायरेक्शन नहीं पता। तो मैंने निर्देश को कहा भी बेटा निर्देश हिंदी के अंदर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन। तो निर्देश आपको पता था वर्ड मीनिंग, डायरेक्शन नहीं पता था, ये आपके लिए अननोन हो गया। इसलिए नॉन टू अननोन जाया जाता है इस मेथड के अंदर। ग्रामर थ्रू स्टडी ऑफ रूल्स डिडक्टिवली, इसके अंदर क्या है कि ग्रामर ज़्यादा पढ़ाई जाती है, ग्रामर इसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है इस मेथड के अंदर। मेथड ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी, इसमें मेथड क्या, तो नॉर्मली क्या है कि जैसे कि इंग्लिश सिखाने के लिए आप हिंदी का यूज़ करते हो, ऐसे मान लो किसी को पंजाबी ना आए तो आपको पंजाबी, मान लो कोई हिंदी लैंग्वेज वाला बंदा है उसको पंजाबी नहीं आती, तो मैं उसको भाई पंजाबी का वर्ड समझाऊंगा तो हिंदी के अंदर कहूँगा, ठीक है। ऐसे मान लो कि अपने को फ्रेंच नहीं आती, तो फ्रेंच का बंदा क्या करेगा, फ्रेंच का कहेगा भाई इस आपको हिंदी में ये कहते हैं, फ्रेंच में ये कहते हैं। जैसे कि वर्ड है अवॉन्जोर, अवॉन्जोर आपको नहीं पता कि वॉन्जोर क्या होता है, मैं आपको कहूँ कि वॉन्जोर मीन्स गुड मॉर्निंग, आप समझ गए, अच्छा तो गुड मॉर्निंग को वॉन्जोर कहना है, ठीक है। ऐसे उसके अंदर कहता है मर्सी वोको, अब आपको नहीं पता क्या होता है मर्सी वोको क्या है, मर्सी वोको मीन्स थैंक यू, अब आपको थैंक यू पता है। इसका मतलब कि आपको फ्रेंच का वर्ड नहीं पता था, आपको इंग्लिश का पता था, तो यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज कौन सी होगी, फ्रेंच, और मैंने ट्रांसलेट किस में किया, मदर टंग, मदर टंग कौन सी होगी, इंग्लिश। तो जो लैंग्वेज आपको आती है, जो नई लैंग्वेज आती है, उसको आने वाली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। फोकस,
रूल्स ऑफ ग्रामर, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल ज़्यादा सिखाए जाते हैं, नाउन क्या है, प्रनाउन क्या, आपके पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे जो RPC ने सिलेबस में दे रखे हैं। मटेरियल मेरिट्स इसकी क्या क्या, ये इसकी खास बातें क्या हैं, एडवांटेज क्या है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि इसकी इसके फ़ायदे क्या हैं। आपको फ़ायदे पता है, हो सकता है आपको एडवांटेज ना पता हो, मेरिट ना पता हो। कोई अगर बिगिनिंग में कोई बंदा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल यानी कि सबसे सस्ता, सस्ता इसलिए क्योंकि अब जिस बंदे को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती वो बंदा भी इंग्लिश पढ़ा देगा, बट जिस बंदे को इंग्लिश स्पीकिंग आती है वो कहेगा कि मेरे को तो भाई सैलरी ज़्यादा दो, मैं तो टोटली इंग्लिश स्पीकिंग करता हूँ इसलिए मेरे को भाई 15-20-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये दो, क्योंकि इसमें मेरे को इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी बोलने पर। इसलिए इसमें जो टीचर्स हैं वो इज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ज़्यादा आपको टीचिंग मटेरियल्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। अब मान लो आपको स्पीकिंग करवानी पड़ गई, आप कहोगे हमें तो भाई एक हेडफोन्स भी चाहिए, ठीक है, फिर आपको कोई ऑडियो विजुअल भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वो कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए कॉस्टली नहीं, ये सस्ता है। टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग इसलिए क्योंकि अब आपको मेरे को स्पीकिंग सिखानी हो पहले तो भाई अब मेरे को बोलना पड़ेगा पूरे सेंटेंसेस सारा डायरेक्ट, फिर आपका वो डायरेक्ट मेथड यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वीनियंट है और क्लैरिटी आती है इसके अंदर, क्लैरिटी इसलिए आती है क्योंकि बंदा ग्रामर सीख जाता है। एक चीज़ देखना, आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा सभी की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है, उनको क्या है कि स्पीकिंग तो आती है, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट रूल्स, उनको रूल्स नहीं पता होते। बट इधर क्या है, जो बंदा GTM मेथड यूज़ करता है उनको रूल सारे पता होते हैं, टेंस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, डायरेक्ट इंडक्ट स्पीच क्या है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, बट स्पीकिंग नहीं आती। इसलिए क्लियरिटी तो आ जाती है, ग्रामर के रूल तो क्लियर हो जाते हैं, अभी कहाँ पे क्या करना है, हमें तो ये पता होता है कि डज डू डज का यूज़ कहाँ पे है, एस कहाँ लगेगा, ES कहाँ लगेगा, बट वो तो डायरेक्टली बोलते हैं। अब अमेरिकन देख लीजिए, वो तो कहता है शैल विल का यूज़ ही नहीं है, आप चाहो तो विल का यूज़ कर लो, बट हमारे क्या कहेंगे, नहीं हमें पता है आई के साथ भी शैल आएगा, वी के साथ में शैल आएगा, और अमेरिकन कहते हैं कि आप विल यूज़ कर लीजिए। इसलिए मतलब वहाँ वो उनको रूल्स उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर रूल्स में क्लैरिटी आ जाएगी। लेस चांस ऑफ वैग्यूनेस, वैग्यूनेस यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, क्यों नहीं होगी भाई, अब ग्रामर क्लियर है तो भाई कहाँ होगी। वो कैब विल्डर, इसके अंदर क्या है, वो कैब बिल्डर हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक शब्द समझाऊँ, वो कैब क्या होती है भाई, शब्दावली होती है, बिल्डर क्या होता है भाई, बिल्डर बनाने वाला, तो आपको हर एक वर्ड की हिंदी पता चलेगी तो आपकी वोकैबलरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। एप्रिशिएटिव थ्योरी, लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़, इसके अंदर ये कहा जाता है कि लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़, कि अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ पढ़ के आपके अंदर ओल्ड और न्यू आइडियाज़ को कनेक्ट कर पाते हो। शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन, बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे है, किसी भी सिचुएशन में आपको अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश, इसकी मेरिट्स की बात हो गई, ठीक है, हमने ये अपने देख लिया। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, अच्छा इसमें एक बात और भी है कि हमें ट्रांसलेशन करना आ जाता है, क्योंकि वर्ड बाई वर्ड आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, इसका मतलब कि आप हर एक शब्द को ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। और अपने तो ऐसा चलता ही है, मैं खुद ऐसा करता हूँ भाई, जब कोई इंग्लिश की लाइन होती है पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, अच्छा आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन मतलब कि आर्ट, अच्छा ट्रांसलेशन की कला आ जाएगी, तो ये अपनी एक हैबिट ऐसी बन जाती है ट्रांसलेशन करने की। डीमेरिट्स की बात करें, यानी कि क्या इसके नुकसान क्या हैं, गेटिंग ऑब्सोलीट यानी कि पुराना हो चुका है, ये बहुत ही पुराना मेथड है। अब ऐसा कोई बंदा लाइन टू लाइन हिंदी समझाने बैठ जाता है, बंदा कहता है इसको इंग्लिश आती नहीं है इसलिए थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है ये। नो फोकस ऑन स्पीकिंग, इसके अंदर स्पीकिंग की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आपको तो इंग्लिश भी आप हिंदी के अंदर सीख रहे हो तो फिर स्पीकिंग कहाँ से आएगी। इनिशिएटिव ऑफ प्रोनंसिएशन, इसके अंदर प्रोनंसिएशन का कोई रोल ही नहीं है, जब आप इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं रहे, आप स्पीकिंग ही नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रोनंसिएशन कहाँ से आएगा। मेरा खुद का प्रोनंसिएशन बिगड़ा पड़ा है क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, अब हमें तो कोई टीचिंग करवाई नहीं गई, ना तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाई नहीं गई, ये तो इंग्लिश क्या होगी, मैंने खुद ने स्पोकन का कोर्स किया, फिर IELTS किया, अब थोड़ा जाके ठीक है खुद पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सुधार हो गया, बट उन बच्चों का क्या जो स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए इस मैं ये नहीं कह रहा कि इसका नुकसान है, इसके फ़ायदे भी तो है ना, बंदा ग्रामर भी तो सीखता है, तो हर एक मेथड के अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं। आपको तो ये टॉपिक क्लियर करना है RPC के लिए।
लॉसेज कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट्स, तो वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इफेक्ट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। कांट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, आप हर एक चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तभी देखिए एक मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब मैं क्लास के अंदर बच्चों से पूछता हूँ बेटा इसकी हिंदी क्या बनेगी, वो दिमाग लगाते हैं सर लातों के यानी कि लेग्स हो जाएंगी, भूत यानी गोस्ट हो जाएंगे। अब ट्रांसलेट कर रहे हैं बट ये गलत है क्योंकि इसका सही इडियम तो ये रहेगा हार्ड नट टू क्रैक। अब हार्ड नट टू क्रैक, इसमें ना तो कोई भूत वाला शब्द है ना कोई लात आई है, अब यहाँ पे पंगा पड़ जाता है। वो कहते हैं सर ये कोई बात थोड़ी है, इसमें तो ना लैग, आपने तो वर्ड यूज़ ही नहीं किया लैग ना कोई गोश्त, तो ये गलत है, इसकी हिंदी ये थोड़ी हो सकती है। इसलिए जो ईडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, मुहावरे हैं और कुछ स्पेशल जो इंग्लिश के स्पेशल जो सेंटेंसेज हैं, हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे इसकी एक डीमेरिट है। अननेचुरल मेथड, ये एक अननेचुरल मेथड है क्योंकि तो नेचुरल वो होता है कि जब आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हो। जैसे आप हिंदी कम्युनिटी से, तो आपको हिंदी कम्युनिकेट करनी आती है, आपने नेचुरली सीखी है, पंजाबी है तो पंजाबी आती है। बट ऐसे इंग्लिश वालों को इंग्लिश आती होगी बट हमारे लिए नेचुरल नहीं ना, हम तो सेंटेंस को ऐसे हर एक शब्द की हिंदी ढूंढने बैठ जाते हैं, इसलिए ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो मैंने आपको एज ए जो ओवरऑल व्यू मैंने वो दे दिया, अब मैं स्लाइड्स में आपको बता देता हूँ कि हमें कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी है ताकि बिल्कुल हमें वहाँ आरपीएससी के अंदर नंबर पूरे लेके आने हैं। ठीक है, अब मैं स्लाइड्स में आपको बता देता हूँ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेटीएम। अब मैं भी उसी टेक्निक का यूज़ करूँगा, एक एक वर्ड की हिंदी आपको बताऊँगा क्योंकि आप भी यही चाहते हो। मेरे को खुद को प्रॉब्लम आती है, मैं भी ऐसा ही बंदा ढूंढता हूँ जो खुद पहले इंग्लिश में हिंदी में कर दे। अब डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इंग्लिश तो पहले से नहीं आती, पंगा तो वही है। ओके, इट वॉज फर्स्ट यूज इन 15th सेंचुरी, इसको 15वीं शताब्दी के अंदर पहली बार यूज़ किया गया था फॉर टीचिंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेज को सिखाने के लिए, लैटिन और ग्रीक को सिखाने के लिए इस मेथड का पहली बार यूज़ किया गया था 15 सेंचुरी के अंदर। इट वॉज ऑल्सो नेम्ड एज क्लासिकल मैथड, हमने और भी नाम इसके देखे थे ओल्ड मैथड, क्लासिकल मैथड, ट्रेडिशनल मैथड और पर्शियन मैथड। अर्लियर इन 20th सेंचुरी दिस मैथड वॉज यूज फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीड एंड अप्रिशिएट फॉरन लैंग्वेज लिटरेचर, 20वीं शताब्दी के अंदर इस मैथड को यूज़ किया गया ताकि हम लिटरेचर पढ़ सकें, लिटरेचर यानी कि आपको रीडिंग करनी आ जाए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, आप इस मैथड का यूज़ क्यों करते हो। स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड, जब ये मैथड यूज़ किया जाता है इसमें ये होता है कि स्टूडेंट विल बी एबल यानी कि सक्षम हो जाएंगे टू रीड, पढ़ने के, क्या पढ़ने के, लिटरेचर रिटन इन टारगेट इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि वो इंग्लिश को लिख सकें। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा को दूसरी भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके। ये मैंने पॉइंट पीछे देख लिए, वो आपके लिए एज ए शॉर्ट नोट काम करेंगे यहाँ डिटेल के अंदर है। ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर काम ज़्यादा किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग्स, याद रखना स्पीकिंग और लिसनिंग को निगलेक्ट किया जाता है। टू हेल्प स्टूडेंट्स रीड एंड, ये हेल्प करेगा टू हेल्प स्टूडेंट्स रीड एंड अप्रिशिएट फॉरन लैंग्वेज लिटरेचर, ताकि वो फॉरन लिटरेचर को सीख सकें। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कौन कौन सी खास बातें, विशेषताएँ क्या हैं। नंबर वन पे है टू रीड फॉरेन लिटरेचर, इसकी खास बात यह है कि इससे हम फॉरेन लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। ए फंडामेंटल पर्पज ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज टू बी एबल टू रीड इट्स लिटरेचर, इसका मेन फोकस यही है कि आपको रीडिंग करनी आ जाए, स्पीकिंग करनी आए ना आए, लिसनिंग आए ना आए, बस आपको रीडिंग करनी आ जाए और राइटिंग लिखनी आ जाए। नंबर टू, एम्फेसाइजिंग ऑन द ग्रामर रूल्स, इसके अंदर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसाइज मीन्स ज़्यादा दबाव दिया जाता है, मेन फोकस किया जाता है ग्रामर रूल्स पर। इट एम्फेसाइज ऑन ग्रामर रूल्स एंड फर्दर एंड एप्लीकेशन, पहले रूल्स से सिखाए जाएंगे फिर एप्लीकेशन, कि पहले आपको रूल्स आए फिर आप लिखना सीख लेना, अप्लाई कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स इन ट्रांसलेशन। नंबर थर्ड, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर गिवन द की रोल टू प्ले वेयर एज स्पीकिंग स्किल्स इज पेड लिटिल और नो अटेंशन, ध्यान रखना रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्पीकिंग और लिसनिंग को निगलेक्ट किया जाता है, उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम ना के बराबर होता है। मेमोराइजेशन एंड ट्रांसलेशन, मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा लगाना,
वोकेबलरी भी रट्टा ही लगाओगे आप। आपको याद करना पड़ेगा कि भाई लॉइन शेर होता है, ए एक होता है, वॉज था होता है, इज है, कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, शुड मतलब चाहिए, इट मतलब यह है, डैट मतलब यह है। तो बच्चा हर एक शब्द का रट्टा लगाता है, मेमोराइज करता है, ट्रांसलेशन किया जाता है। मेमोराइजेशन एंड ट्रांसलेशंस आर यूज एज ए मीन ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज वर्ड्स, हाउएवर आर टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड आइटम्स। हालांकि दोनों ही लैंग्वेज आ जाती है, जैसे मैंने कहा लॉइन मीन्स शेर, बट ज़्यादा फोकस हमें वही है, ट्रांसलेशन कर रहे हो। अब आपको लॉइन को शेर कहते हैं तो याद रखना पड़ेगा ना, रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन ज़्यादा होता है। एम्फेसाइजिंग ऑन द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की बात की जाएगी, यानी कि आप चाहे इंग्लिश स्पीकिंग करो चाहे ना करो, बट रिटन के अंदर और रीडिंग के अंदर आपको आपको टोटली क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ग्रामर के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आज भी हमारे ये मेथड चल रहा है, हम कोई भी सिलेबस देखिए, अभी आरपीसी देख लीजिए, आरपीसी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके अंदर आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हो, वो ये तो चेक कर रहे हैं कि ग्रामर है आपके पास, पार्ट ऑफ स्पीच दे दिया, लिटरेचर पोर्शन दे दिया, सारा कुछ दे दिया। क्या उनको ये पता है कि इंग्लिश के टीचर को स्पीकिंग इंग्लिश आती भी है कि नहीं? उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो भी इसी मेथड पर चल रहे हैं कि भाई उन्हें ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि हमें जाकर ग्रामर ही पढ़ानी है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यू कैन स्पीक एंड यू कैन मेक योर इमेज वेरी इफेक्टिव इन द सोसाइटी। अब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो भाई देखो मेरे को आती है, बट उसके अंदर क्या है कि अगर टोटली इंग्लिश बोलूँगा तो मेरे से टोटली इंग्लिश बोली जाएगी या फिर टोटली हिंदी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो वो जो एक गैप है ना, वो गैप तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नंबर 6 है डिडक्टिव मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव मेथड और इनडिडक्टिव मेथड। आपको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती है कि भाई ये डिडक्टिव क्या है, इनडिडक्टिव क्या है। देखिए इनडिडक्टिव को आप ई से याद रखिए, ई से होता है एग्जाम्पल, इसका मतलब इनडिडक्टिव मेथड के अंदर पहले एग्जाम्पल आएगा फिर रूल आएंगे, तो ये उसका उल्टा है, ये डिडक्टिव है, इसमें पहले रूल आएंगे बाद में आपके एग्जाम्पल आएंगे, क्योंकि रूल सिखाने हैं, रूल के लिए ग्रामर सिखाओगे। इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट थ्रू ए डिडक्टिव मेथड, ये क्वेश्चन पूछा गया है रीड के अंदर, आई थिंक रीड के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है, कि भाई डायरेक्ट जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके अंदर ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली इनडिडक्टिवली। वहाँ अपना दिमाग होता है पजल कि यार डिडक्टिव था या इनडिडक्टिव था। तो याद रखना इंडक्टिव यानी कि एग्जाम्पल, इसमें पहले एग्जाम्पल थोड़ी, इसमें तो पहले रूल है, इसलिए इसमें क्या है, रूल, रूल वाला होता है डिडक्टिव वाला। रूल्स आर प्रेजेंटेड एंड लर्नर्स आर गिवन ए चांस टू स्टडी एंड प्रैक्टिस द रूल्स, एंड द प्रैक्टिस इज डिपेंडेंट मोर ऑन द ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। नंबर 7, रोल ऑफ द मदर टंग, इसमें ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है आपकी मदर टंग। मदर टंग ऑफ द लर्नर इज यूज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट इज यूज टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स एंड टू एनेबल कॉम्प्रीहेंशन टू बी मेड बिटवीन फॉरन लैंग्वेज एंड द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, ताकि स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज उसमें कम्युनिकेट किया जा सके, हम उसके अंदर अपने एक अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ, इसलिए मदर टंग का सहारा लिया जाता है। आगे जो और मैथड्स आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट मेथड आएगा, उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि भाई इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें क्या है, मदर टंग मेजर रोल, मदर टंग प्लेज ए मेजर रोल इन दिस मेथड। लीस्ट अटेंशन ऑन प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन पर बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब ये वर्ड है ना, आपको फैक्ट बताता हूँ थोड़ा सा इससे हटके है, इंग्लिश का जो वर्ड है प्रोनंसिएशन, सबसे जिसका मतलब होता है सही से उच्चारण करना, और इसी को ही सबसे ज़्यादा रॉन्गली प्रनाउंस किया जाता है। कुछ बोलेंगे प्रनाउंस, प्रनन्सिएशन, मेरे तो कई बार मेरे से गलत हो जाता है भाई, ठीक है, मेरे से खुद से गलत हो जाता है, प्रनन्सिएशन। ओके, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिटिल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रनन्सिएशन बिकॉज देयर मेजर गोल इज टू रीड एंड राइट इन द टारगेट लैंग्वेज। तो प्रनन्सिएशन पर बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। नंबर 9, रोल ऑफ ए टीचर इन GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर टीचर का क्या रोल है। टीचर इज अथॉरिटी इन द क्लासरूम, इसमें क्या है कि टीचर मेजर रोल प्ले करता है, टीचर सेंटर, ये अप्रोच है, इसमें टीचर ही सारा कुछ करवाता है, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम होता है, वो तो पैसिव लिसनर होते हैं, टीचर एक्टिव होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये कि आज की हमारी जो साइकोलॉजी है,
जो CDP है वो कहती है कि अप्रोच होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड, तो ये तो हो गया टीचर सेंटर्ड। इसका मतलब ये कि ये अप्रोच आपकी साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फिलोसफिकल तो ज़रूर है बट साइकोलॉजिकल नहीं है। द स्टूडेंट्स डू एज टीचर सेज सो दे कैन लर्न वट ही नोज, जो टीचर कहता है बच्चे वो ही पढ़ते हैं, उनको खुद कुछ सीखने की परमिशन नहीं दी जाती। अब रूल पढ़ा दिया टेंस का, तो भी रूल पढ़ना है बस। द टीचर्स रोल इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ही एक्सप्लेन्स ट्रांसलेट्स कंडक्ट्स प्रैक्टिस एंड करेक्ट्स मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो टीचर है वही एक्सप्लेन करता है, वही ट्रांसलेट करता है, वही उनकी प्रैक्टिस को कंडक्ट करवाता है और वही स्टूडेंट्स के लिए मिस्टेक्स को बताता है। क्योंकि तो ज़्यादा रोल किसका है, टीचर का। नंबर 10 पे रोल ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर वो एक्टिव है, अगर टीचर इज़ एक्टिव देन स्टूडेंट्स इज़ इनएक्टिव, यहाँ पर कह दीजिए पैसिव। द रोल ऑफ लर्नर्स इज़ वेरी पैसिव, दे मेमोराइज वोकैबुलरी फॉर फॉरेन लैंग्वेज ग्रामर रूल्स एंड लर्न टू ट्रांसलेट, वो फॉरेन वोकैबुलरी को मेमोराइज़ करते हैं, ग्रामर को मेमोराइज़ करते हैं, रूल को मेमोराइज़ करते हैं और लर्न कर सीखते हैं सिर्फ ट्रांसलेट करना, कि ट्रांसलेट कैसे करना है। नेचुरली स्पीक नहीं कर पाएंगे, जस्ट ट्रांसलेशन कर पाएंगे। नंबर 11, नेचर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर इंट्रैक्शंस, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स का क्या नेचर रहता है इस मैथड के अंदर। मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस अकर बिटवीन लर्नर टू टीचर एंड दे टास्क दे लिस्ट टॉक विद ईच अदर, यानी कि बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये अप्रोच कम्युनिकेशन पे बेस्ड है ही नहीं। इसमें तो जस्ट ग्रामर सिखानी है, क्लास के अंदर टीचर जाएगा कहेगा बेटा आज हमें टेंस पढ़ने हैं, टेंस मतलब काल, वो वहीं से शुरू कर देगा, टेंस मतलब काल, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल, फिर कहेगा इंग्लिश में कहेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो ट्रांसलेशन शुरू से शुरू हो जाएगा, ठीक है। नंबर 12, टीचर्स रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स एरर, तो टीचर का क्या रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स की एरर की तरफ। एरर्स आर करेक्टेड इमिडिएटली बाय द टीचर, अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी वहीं पर कहेंगे बेटा ये ग्रामर का रूल है, यहाँ पर डू आएगा, यहाँ पर डज आएगा, यहाँ पर एस लगेगा, यहाँ पर ई एस लगेगा, बच्चे को उसकी गलतियों को सहन नहीं किया जाएगा कि कोई बात नहीं बेटा गलती की तो आप गलती करके सीखोगे, नहीं गलती करनी ही नहीं है, गलतियों को तो टॉलरेट किया ही नहीं जाएगा। द मेजर एम्फेसाइज इज ऑन द करेक्शन एंड एरर्स आर कंसिडर्ड एज द अननेसेसरी एंड साइन ऑफ फेलियर, गलतियों को तो ये माना जाता है कि अगर तूने टेंथ के अंदर गलत फिल द ब्लैंक भर दिया तो बेटा तू फेल है। यही तो होता है RPC, RPC खुद ये काम कर रही है, मेरे को तो हैरानी होती है, वो खुद कहती है कि अगर आपको बहुत सारे, अभी HTET का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर बहुत सारी एरर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपको अगर गलत किया मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती। वहाँ पे एक सेंटेंस था उसके 2 ऑप्शन सही थे, हैज़ और हैव, सॉरी हैज़ और हैड, क्योंकि पास्ट का कोई रूल नहीं था, वो कहते भाई शी के साथ तो भाई हैज़ ही आएगा, बेटा पास्ट के अंदर हैड भी आता है, वहाँ पे पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं था, कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा था, बट वो कहते हैं हाँ बस आता है शी के साथ हैज़ आता है, अरे पास्ट में हैड भी आता है, फ्यूचर में विल हैव होता है, शैल वे भी है, वो भी हो सकता है, ये कोई रूल थोड़ी, अभी शी में हैज़ पक्का ही आएगा, इसलिए बस वो कहते हैं कि आपको नहीं आती इंग्लिश, वो तो ये मानते हैं, ठीक है। अभी HTET का एग्ज़ाम था उसके अंदर जॉन कीट की पोइम दी थी और द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वहाँ पे ऑप्शन था कि भाई ये पोइम किसके अंदर लिखी गई है, आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर या फिर हीरो हीरोइक कपलेट्स के अंदर, वो कहते हैं कि आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है, उसके अंदर हीरोइक कपलेट्स भी हैं, बट वो कहते हैं कि भाई नहीं इसके अंदर तो आइम्बिक पेंटामीटर है, अरे है आइम्बिक पेंटामीटर भी है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स के अंदर, बट वो खुद पोइम हीरोइक कपलेट्स के अंदर भी लिखी गई है, बट नहीं। नंबर, अब बात करते हैं टीचिंग टेक्निक्स ऑफ GTM, क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती है इसके अंदर। ट्रांसलेशन किया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, एंटोनियम एंड सिनोनियम से सिखाए जाते हैं, ग्रामर के रूल से सिखाए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर आ जाता है और मेमोराइजेशन यानी कि रट्टाफिकेशन। एडवांटेज क्या हैं, हालांकि मैंने पीछे बात कर ली थी इसके, क्या एडवांटेज हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं इस मेथड के, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अब ओनली इंग्लिश के अंदर बोलूँगा, हिंदी बहुत कम, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन द क्लास इन वेयर दे आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो बड़ी क्लासें होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा लेंथी क्लासें होती हैं, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये मेथड बढ़िया काम करेगा। इट इज़ एन ईजी मेथड टू टीच फॉरन लैंग्वेज, इट इज़ ए मेथड थ्रू विच द लर्नर प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन लैंग्वेज, ये काफ़ी ईजी मेथड है क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे को आता है वही उसी भाषा के अंदर सिखाया जाता है।
ट्रांसलेशन मेथड हेल्प इन द रैपिड एक्सटेंशन ऑफ वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स एज इट अवॉइड डिफिकल्ट एंड लेंथी एक्सप्लेनेशंस। इसमें क्या कि बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस नहीं करनी पड़ती आपको। मान लो कि मेरे को यहाँ पे कोई वर्ड है, यहाँ पे मैंने वर्ड ले लिया वोकैबुलरी। मान लो आपको किसी को नहीं पता, मैं कहूँगा भी वोकैबुलरी बेटा क्या है, मैं कहूँगा बेटा शब्दकोश है। अब उसी को मैं एक्सप्लेन करूँ वोकैबुलरी लाइक इज वेरी देर आर मैनी वर्ड्स डैट इज़ कॉल्ड वोकैबुलरी। अब मैंने बड़ा सा सेंटेंस बोला, इसको सीधा बोल दिया वोकैबुलरी शब्दकोश। ठीक है, ये फ़र्क होता है, इसी ये फ़ायदा है इसका, क्योंकि आप डायरेक्ट उसका मीनिंग बता सकते हो। इट हेल्प्स टीचर्स टू क्लियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस ईजिली बाय ट्रांसलेटिंग इन इट टू द मदर टंग। इसमें क्या कि टीचर के लिए काफ़ी ईजी है, क्योंकि वो मदर टंग के अंदर हर एक वर्ड को ट्रांसलेट कर देता है, तो वो पूरे सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर पाता है। वरना एक सेंटेंस बोल दिया, मान लो मैंने यही बोल दिया, अब आपको समझाने के लिए मेरे को पूरा 4-5 लाइनें एक्स्ट्रा बोलनी पड़ेगी। इट हेल्प टीचर टू क्लियर द मीनिंग, टीचर हु टीच इन द क्लास, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम डैट ही कैन ट्रांसलेट द वर्ड ईजिली, इट मीन्स विदाउट एनी स्ट्रेस। तो इतना कुछ बोलना पड़ेगा भी, सीधा बोल दिया कि टीचर के लिए ईजी है ट्रांसलेशन करना। इट डज नॉट कंज्यूम टाइम इन फिनिशिंग द सिलेबस। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा डायरेक्ट मीनिंग बताओगे और आगे चल पड़ोगे। इट सेव्स टीचर्स लेबर, टीचर की बर्डन कम हो जाएगी, टीचर को ज़्यादा ऐसे इंग्लिश में ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट हिंदी पढ़ाता जाएगा, सेंटेंस पढ़ता जाएगा, हिंदी बताता जाएगा, सेंटेंस पढ़ता जाएगा, हिंदी बताता जाएगा। ही डज नॉट रिक्वायर डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स इन द एक्सप्लेन वर्ड मीनिंग। तो ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़ द क्लास वेयर देयर आर स्टूडेंट्स हैव मिक्स एबिलिटी टू लर्न। उन बच्चों के लिए ईजी रहेगा जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि आप उनकी मदर भाषा के अंदर आपको सिखा सकते हो। स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव इज वेरी ईजिली असाइंड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। ग्रामर ऑफ फॉरन लैंग्वेज इज ईजिली टॉट बाय द कंपेयरिंग इट विद द ग्रामर ऑफ मदर टंग। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, यानी कि क्या इसके नुकसान हैं। नो ऑरल वर्क टेक प्लेस इन द क्लासरूम ड्यू टू दिस मेथड। इस मेथड में क्या है कि ऑरल यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी स्पीकिंग इसके अंदर नहीं हो पाती। द फोकस रिमेन ओनली द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज रिमेन्स इग्नोरड। इसमें क्या है कि आप मदर टंग को और बढ़िया सीख जाते हो भी, हाँ इस वर्ड की हिंदी के अंदर ये मीनिंग होता है, इंग्लिश तो रह जाती है। एक बढ़िया सा सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि इस मेथड के जरिए आप इंग्लिश तो सीख पाते हो बट इंग्लिश नहीं आती। मतलब इस मेथड के जरिए, बाय दिस मेथड यू कैन लर्न इंग्लिश बट एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़कर आप इंग्लिश की बाकी सारी चीज़ें सीख लेते हो इसके अंदर। बस ये मेथड यही है, ठीक है। द स्टूडेंट्स डू नॉट डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन टारगेट लैंग्वेज। वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर सोच ही नहीं पाते, वो तो हिंदी के अंदर सोचते रहेंगे कि यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हिंदी के अंदर ढूंढेंगे इंग्लिश के अंदर नहीं। इट डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और द टारगेट लैंग्वेज। इसके अंदर प्रोनंसिएशन तो बिल्कुल खत्म हो जाता है भी। मेन एम्फेसाइज इज गिवन ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है ग्रामर्स के रूल पर। स्टूडेंट्स ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय ट्रांसलेटिंग। वो ज़्यादा सीखते हैं हमेशा ट्रांसलेट करके। स्टूडेंट्स ट्राई टू एवरीथिंग बाय ट्रांसलेटिंग, यानी कि बच्चा हर एक सेंटेंस को फिर ट्राई करने के बारे में सोचता है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आई थिंक ओनली 35 मिनट्स की वीडियो के उन्होंने कवर कर लिया। कोई कमी रहेगी तो फिर भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने पीछे नोट्स आपको बताए थे भाई, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी नोटबुक प्रिंट को लिख लीजिए, ये वाले, ठीक है, कि ये ओल्ड मेथड है, क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, पर्शियन है, यूएसए के अंदर, इसमें अंदर वर्ड बेसिक यूनिट रहती है, ट्रांसलेशन इसके अंदर किया जाता है, इसके अंदर स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, लिसनिंग पर नहीं किया जाता, रीडिंग और राइटिंग ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, नॉन टू अननोन रहता है, और इसके अंदर डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग ग्रामर को पढ़ाया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आरपीसी और रीट वालों, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगली वीडियो के अंदर मैं जो अगला आपका मेथड है उसको इस प्रकार ही डिटेल के अंदर बताऊँगा।
आपकी जो भी आपकी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो आप पर डिपेंडेंट है। आप जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो। आपने वीडियो को देखा इसलिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।